फेंकना शुरू हुआ, कोई पेड़ के पास फेंकना शुरू हुआ कि भगवान है, इस भगवान को पत्थर से मारा जाता है। और कुछ दिन के बाद वहां देखिएगा पत्थर के अंबार लग जाता है, जो उस रास्ता से जाता है वो ढेला उठा के वहां रख देता है, ढेला ही माई के नाम से ऊपर सिद्ध हो जाती है। होता है कि नहीं? सब हर आत्मविश्वास इतना भरा मिनट नियमितता पूर्वक अगर गायत्री मंत्र की साधना कोई भी व्यक्ति करता है, उसके अंदर अपने आप आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है। लोग पूछता है, हम बहुत दिन से गायत्री जप रहे थे, मेरा ये काम नहीं हुआ। आपके काम के लिए गायत्री नहीं है। आप कुछ भ्रम के शिकार हो जाते हैं और झूठमूठ का थेसिस देते हैं कि हम साइंस के युग के जीने वाले विद्यार्थी हैं। अरे साइंस के युग के जीने वाला विद्यार्थी ये कहीं कहते हुए अगर पाया जाए कि हम गायत्री जपते थे मेरा ये काम नहीं हुआ, तो वो बेवकूफ है, वो साइंस का नाम का केवल उपयोग करता है। गायत्री आपके काम को नहीं बनाती है, आपके अंदर के विश्वास को जगाती है, जिसकी बदौलत आप अपने काम को अपने बूते कर लोगे। अब आप दिन भर गायत्री मंत्र जपिए, न मैथ के क्लास में जाइए, न फिजिक्स के जो जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके क्लास में नहीं जाइए और कहिए बहुत गायत्री 24-24 घंटा जपे हैं, हिलते भी नहीं थे, रात दिन जपते थे, कहां मेरा मैथ मजबूत नहीं हुआ। मेरे मित्र, ये बहुत सारे हमारे विद्यार्थी अगर ये सोच के यहां आते हैं तो माफ करिएगा, आपकी थिंकिंग गलत है। जब आप गायत्री जपते हो, आपके अंदर का जो कचड़ा है वो समाप्त हो जाता है, आपके अंदर का जो दुर्बुद्धि है वो धीरे धीरे समाप्त होती है, आपके अंदर का जो निगेटिविटी है वो धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता है। विज्ञान जैसे कहता है कि शीशे के ग्लास में किसी कलर को डाल दिए, लाल, हरा, पीला, कोई रंग,
और उसको घोल दिए, घोलने के बाद उसमें लगातार साफ पानी अगर डालने लगेंगे तो थोड़ी देर के बाद वो पूरे ग्लास का पानी साफ नजर आएगा। हो सकता है कि इस उम्र में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन भी आता है, कामुकता भी भड़कती है, दुर्विचार भी आता है, दुर्भावनाएं भी आती है, बहुत तरीके के निगेटिव। ऐसी स्थिति में उस साफ पानी की तरह अगर नियमितता पूर्वक 20 मिनट गायत्री मंत्र के साथ सूर्य का ध्यान करते हैं और अवशोषित करते हैं उस प्रकाश को अपने जीवन में, धीरे 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 आपकी निगेटिविटी को समाप्त कर देता है, धीरे धीरे आपके अंदर की बुराइयों को समाप्त कर देता है, धीरे धीरे आपके कचरा को साफ कर देता है। और जब कचरा साफ होगा तो अभी आप पढ़ने बैठते हो, जैसे किताब खोले आपका मन भागने लगता है, भटकने लगता है, चंचलता, बस अंदर से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब नियमितता पूर्वक 90 दिन आपका गायत्री जपते हुए पहुंच जाएगा, आपको आश्चर्य होगा कि आप वही विद्यार्थी घंटों पढ़ते हो, आपका मन भागता नहीं है, आपका मन फ्रस्ट्रेट नहीं होता है, आपका मन किसी भी तरह के निगेटिविटी का शिकार नहीं होता है। तो मेरे मित्र, सद्बुद्धि के तरफ जब प्रेरित होने लगता है मनुष्य, उसकी दुर्बुद्धि समाप्त होने लगती है, तो वो जीवन में असंभव को संभव कर देता है। और यही भारत का अध्यात्म है और यही सच्चा विज्ञान है, ये रियल विज्ञान है। लोग मंदिर में नौजवानों को देखे हैं, हाथ जोड़ के भीख मांगता है, बिहार SSC वाला नौकरी दिला दीजिए ना, एग्जाम दे के आया, पता चला पेपर आउट है, क्या करिएगा। अब टेंशन में फोन कर रहा है, सर पेपर लीक हो गया, क्या फर्क पड़ता है लीक हो गया तो, चेक कर लो ना, प्रतिभा में लीकेज नहीं ना है। हजार बार ये बात हम बोले हैं, पेपर लीक हो जाने से आपकी जीवन बंद नहीं हो जाती, लेकिन अगर आपकी प्रतिभा में लीकेज है तो वो पेपर अगर लाकर भी दे दिया जाए, आंसर लिखा भी दिया जाए, जॉब दे भी दिया जाए, तो अच्छे पद पर जाने के बाद भी डिप्रेशन में रहोगे, तनाव में रहोगे, कोई नहीं आपको बचा सकता है। ये लोग जो सोचते हैं कि मेरे पास पैसा हो जाएगा तो मेरा तनाव दूर हो जाएगा, माफ करिएगा मेरे मित्र, आपके घर में, परिवार में, रिश्तेदार में कोई ना कोई एक व्यक्ति पैसा वाला होगा, आप झांक कर देखो उसकी जिंदगी, सबसे ज्यादा तनाव में वो पैसा वाला है। आप तो मस्त हो, टेंशन फ्री हो, तब ना उठ के नहा धोआ के बेचारा ध्यान वान किया, साइकिल चलाया, भाग के आ गया, गुरु जी के गोद में बैठ गया, वो तो नींद खोलते मोबाइल उठाते हैं, कहां से मैसेज आया, कुछ आया कि नहीं आया, कब तक आएगा। तनाव में तो वो है क्योंकि उनको आत्मसंतुष्टि है नहीं। रोटी के भूखा का पेट भरा जा सकता है, लेकिन स्वभाववश लालची व्यक्ति का पेट इस धरती पर नहीं भरता है। आपको चार रोटी की बहुत जोर से भूख लगी है, चार रोटी डेली खाते हो, आठ को खिला दिया जाएगा, उतने में बम बम हो जाओगे, लेकिन आपका स्वभाव लालची है, तो आज 10 रुपया आया है तो कल 10,000 के चक्कर में बेईमानी वाले रास्ते पर चलोगे ही चलोगे, ये कहां से दूर कर लोगे। और लोग सोचता है कि मेरा टाइम कट जाएगा, कट नहीं जाएगा, आपका टाइम शुरू हुआ ही नहीं है जो कटेगा, अब आपका दुर्दिन शुरू होने वाला है। इन सारी चीजों से बचाने का काम भारत का अध्यात्म करता है। मेरे मित्र, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, ये जीवन की ऐसी चार पहिए है जिस पर अगर मनुष्य सवार होता है तो अपनी पूरी जिंदगी का सफर मुस्कुराते हुए करता है। लेकिन दुर्भाग्य आज माया, मोह, लालच, दुष्टता, नीचता इतना लिप्त हो चुका है, हर पढ़ने वाला लड़का चाहता है मेरी अच्छी सी गर्लफ्रेंड होती। फ्रेंड होना कोई बुरी बात नहीं है, आपकी दोस्त हो और वफादार दोस्त हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ईमान पे हाथ रख के पूछो कि आप दोस्ती करना चाहते हो या अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन है आपके जीवन में। अगर दोस्ती है तो आपसे शानदार इंसान कोई नहीं है भाई, हर व्यक्ति की मित्रता होनी चाहिए। समाज में मित्र एक ऐसा चीज है जो ओरिजिनल आईना बनता है, लेकिन वर्तमान वाला मित्र नहीं। आज का तो मित्र है कि शेयर इट से जहर दे देता है मोबाइल में, हम भी डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम, कैसे तू पढ़ेगा, पढ़ के दिखाओ, हम 8 साल से आए, हमारा रिजल्ट नहीं हुआ, तुम्हारा 3 साल में रिजल्ट दिवा देंगे, लो अब तू खुश हो गया, काल आयो, अरे देखो ना यार, अब बेचारा कमल खींच के भीतर देख रहा है, यहां आएगा मुंह बना के खूब बढ़िया बैठेगा, बड़ा बढ़िया है हम। मेरे मित्र, बुराइयों से डरो नहीं, लड़ो।
जब तक बुराइयों से लड़ोगे नहीं, आपका जिंदगी शानदार नहीं बन सकता है। और दुनिया में छोटे इरादे को लेकर जीने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं। जब इरादा बड़ा होगा और जीना शुरू करोगे तो एक दिन बड़ा आदमी बन जाओगे। छोटा इरादा लेकर जीने वाले अगर एपीजे अब्दुल कलाम होते तो आज कोई एपीजे अब्दुल कलाम जी का नाम नहीं लेता, कोई नहीं लेता। बड़ा इरादा था, खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन इरादा तो बड़ा था। इसमें कहां पैसा लगने वाला है? सोचने में कहीं पैसा लगता है? हम बड़ा सोचे, जब मनुष्य बड़े चीजों को सोचता है और उसके जिंदगी में अध्यात्म होता है, वो उसका सपोर्ट करने लगता है। एपीजे अब्दुल कलाम जी रामेश्वरम की गली का चक्कर लगाने वाला नौजवान पेपर बेचने का काम तक किया। आप सब पढ़े हैं, अग्नि की उड़ान जरूर पढ़ लीजिएगा, तेजस्वी मन पढ़ लीजिएगा, मेरे सपनों का भारत पढ़ लीजिएगा। ये किताब जब पढ़िएगा तो लगता है कि साक्षात कलाम जी सामने होकर ये पाठ पढ़ा रहे हैं कि नौजवान हारो नहीं, अपने आप को मजबूत बनाओ। तेजस्वी मन में स्पष्ट लिखे हैं कि मनुष्य अपनी मन की शक्ति के बारे में एक बार अगर जान ले तो अपने बूते जो चाहेगा जैसे चाहेगा वैसे कर सकता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है। आज ये मन का ही तो खेल है जो लगता नहीं है। जहां लगाना है वहां लगता नहीं, जहां नहीं लगाना वहां खूब लगना चाहता है। कोई काम नहीं है, व्हाट्सएप पर खूब मन लगता है, खूब दिल लगता है। समय समय पर इधर उधर गली में, रास्ते में, क्लास में सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, बगल में मन खूब लगता है। सीधा बोर्ड नहीं दिखता है, साइड में सब कुछ नजर आता है। ये मन है मेरे मित्र, और मन को अंकुश करने का काम गायत्री महामंत्र करता है। लोग सोचते हैं ये गायत्री माता का मंत्र है, मेरे मित्र ये सूर्य का मंत्र है, सविता देवता का मंत्र है। 20 मिनट जब आप करते हो, ये कॉस्मिक एनर्जी जो है ब्रह्मांड में विद्यमान है, कॉस्मिक एनर्जी, उस कॉस्मिक एनर्जी से आपको मेंटली एनर्जी मिलती है, मेंटल फ्यूल मिलता है। आप गाड़ी रखते हो, गाड़ी में बिना तेल डाले उसको चला सकते हो? स्टार्ट तक नहीं होता है। चलो ये जिंदगी की गाड़ी है, इस जिंदगी के गाड़ी में शरीर के लिए तो रोटी दाल सब्जी सलाद ये सारी चीजें ले लेते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मस्तिष्क के लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। शरीर के लिए तो पेट भर लेते हैं, लेकिन जिस गाड़ी की बदौलत पूरी जिंदगी सैर करना है उसके लिए तो मेरे मित्र 20 मिनट जो ध्यान करते हो यह आपके जिंदगी में मेंटल फ्यूल का काम करता है। ये आपको मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करता है, ये मानसिक रूप से ताकत देता है आपको, और इसी ताकत के बदौलत आप 24 घंटा अपने समय का सदुपयोग करते हैं। वरना बहुत तेज तेज विद्यार्थियों को आपने देखा होगा लॉज में सड़ रहे हैं। पढ़ाई उनकी कमजोर नहीं है, सब्जेक्ट कमजोर नहीं है, क्वालिटी भी उनकी कमजोर नहीं है, लेकिन क्या कारण है? बस कारण ढूंढने पर एक ही नजर आता है, मेंटल फ्यूल लेते नहीं है। तेज हैं लेकिन सही दिशा में नहीं चल पाते हैं। और वही विद्यार्थी रिजल्ट देता है जो अपनी दिशा के अनुसार अपनी मंजिल पर बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच रखते हुए सही रास्ते पर चले। वरना जाना है गांधी मैदान, ऑटो पकड़ लिए पटना सिटी के, आप बैठ के इंतजार कर रहे हैं, गांधी मैदान तो आ ही नहीं रहा है। आप होशियार हो भाई, जाना है किसी और दिशा में, पकड़ लिए कोई और दिशा। कई सारे लड़कों के बीच में जब आप ध्यान करते हो लड़के मजाक उड़ाते हैं, आप डर जाते हो। हैं हम भैया करते थे, करते करते हम छोड़ दिए। काहे छोड़ दिए? कुत्ता काट लिया था जो मित्र के रूप में विद्यमान था। नहीं, रोज दोस्तवा कहने लगा बाबा बन जाओगे, लाइव चल रहा है, नहीं तो कुछ कहते उसका सटीक एग्जाम्पल है, बाबा बन जाते हो इसलिए छोड़ दिया, और रूम बंद करके, बाथरूम बंद करके न जाने क्या क्या करते हो। कभी दोस्त कहने गया और कभी आप छोड़ने गए। इस जगह आपकी अंतरात्मा कुछ भी नहीं बोलती। अच्छे चीजों के लिए कोई एक बार मना कर दिया, कई गो भाई लोग आके सुनाते हैं, गए थे गांव छठ में, पापा बोले
तुमको पढ़ने के लिए भेजे हैं कि बाबा बनने के लिए, एकदम गलत करते हो। पापा को ये पता है तुम क्या क्या करते हो, और तुम बताए हो पापा से कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या कचरा भरा हुआ है। तो छुप के कुकर्म पापा से कर सकते हो, आ सत्कर्म छुप के करने में लाज लगता है। मान लो थोड़ी देर के लिए पापा को नहीं मंजूर है, कोई बात नहीं, पूरी दुनिया के नौजवान जैसे कुकर्मों को छुप के करते हैं, अगर ये ठान ले हमारा युवा कि वो छुप के कुकर्म कर सकता है, तो हम छुप के सत्कर्म क्यों नहीं कर सकते हैं, उसका जीवन शानदार बन जाएगा। आप नहीं करना चाहते तो 1000 बहाना है, करना चाहते हो आपका सारा बहाना समाप्त हो जाएगा। कितना पापा पीछा करेंगे और कहां कहां करते हैं आप सब लोग जानते हो, बच्चे हो, अभी थोड़े दूध पिल्ली से दूध पीने वाले बच्चे हैं, दूध पी के आके बैठे हैं, फिर जाएंगे कोई दूध भर के देगा। आप अपनी जिंदगी का निर्णय कर सकते हो, ले सकते हो, और लेने में सक्षम हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है यह समझ सकते हो। कई सारे भाई आए, सर ध्यान के बारे में अपने सर जी से कहे, सर जी उदाहरण दिए, अच्छा ये बताओ गायत्री वाला ये सब बताता है, इसको प्रूफ कैसे करोगे, देखे हो तुम कॉस्मिक एनर्जी ये वो दुनिया जहान, ध्यान करने से ये होता है वो होता है। अब बेचारा के सुइया मार दिया, उन्हें से मधुआई ला गया, लग गया अंदर से। हम कहे कि आप पूछिएगा सर से, फिजिक्स के हैं, कि सर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है आप देखे हैं, पूछो, वो भी विज्ञान के है, हम लोग भी अध्यात्म विज्ञान के हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जहां अध्यात्म समाप्त होता है वहां से विज्ञान शुरू होता है, तो बड़े तो हम लोग हैं, हमारी धरोहर बड़ी है, ये विज्ञान बाद में आया, शब्द बेदी बाण पहले चला, मिसाइल बाद में चला, धृतराष्ट्र के बगल में बैठ के संजय ने पहले टेलीकास्ट किया, बाद में व्हाट्सएप पर आप वीडियो कॉलिंग शुरू किए, तो हमारा अध्यात्म तो पहले आया, आपका विज्ञान तो बाद में आया। कहा कि नहीं, हम कहे पूछना कि आइंस्टीन जो थ्योरी दिए थे, बहुत सारे E=MC² प्रूफ करते हैं, पहले आप जानते थे, या जो से ऊपर से नीचे गिरा, क्या आइंस्टीन के पहले ऊपर चला जाता था, या उभी हटाओ वो कॉस्मिक एनर्जी की बात करते हैं, आप ऑक्सीजन की बात करना, सर ऑक्सीजन आप देखे हैं, तो जाके पूछा। हम कहे कि वो पूछोगे तो ये कहेंगे कि हम नहीं देखे हैं, न्यूटन साहब ने देखा, न्यूटन साहब ने प्रूफ किया, आइंस्टीन साहब ने प्रूफ किया, वो दावत गर्व से कहेंगे कि मेरे साइंटिस्टों ने ये प्रूफ किया है। प्यार से तुम भी धीरे से कहना, मेरे ऋषियों ने भी प्रूफ किया है, जैसे आपके साइंटिस्ट थे वैसे हमारे ऋषि थे, आपके साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, हमारे ऋषि रिसर्चर थे, जो उस लेवल से देखता है वो प्रूफ करता है। आपके साइंटिस्ट का IQ डेवलप था, उन्होंने प्रूफ करके गए नहीं है तो आप प्रूफ नहीं करते हो, वैसे ही हमारे ऋषियों का IQ इतना डेवलप था कि वो सारी चीज दिखा के गए, हम लोग उस लेवल के नहीं है तो नहीं प्रूफ कर सकते हैं, तो दोनों तो सेम है, तो कैसे माने कि आपका विज्ञान अच्छा है हमारा अध्यात्म बुरा है। मेरे मित्र, पान पूजे हड़ी मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे भली है चक्की जिसका आटा खाए संसार। अगर पत्थर को भगवान मान के पूरी दुनिया पूजती है तो उससे बढ़िया है कि जाके हिमालय पहाड़ पूजो, उससे बड़ा पत्थर कोई नहीं है, और अगर पत्थर में कहीं भगवान है तो उससे बढ़िया वो चक्की के बीच में लगा हुआ दो पत्थर है जिसके बीच में गेहूं जाता है और आटा बन के लाखों लोगों का पेट भर देता है। मेरे मित्र, अध्यात्म एक ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य के जीवन में अगर सतत आगे बढ़ता चला गया तो वह असंभव को संभव कर देगा, अपने जीवन की हर परेशानियों को अपने बूते समाधान कर सकता है, और इसका उदाहरण आपके देश में एक दो नहीं हजारों भरे पड़े हैं। काला कर लूटा दुबला पतला गांधी, लिकलिक जिसको साउथ अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया गया, वो गांधी मायूस होते हैं, लेकिन मायूस होने के बाद जब अपने देश में लौटते हैं तो खंगालते हैं कि आखिर मेरे देश में ऐसा कौन सा चीज था जो पूरे विश्व में लोगों को सिरमौरे बनाया करता था। उन्होंने तलाशा तो देखा कि हमारे देश का अध्यात्म इतना ताकतवर था कि असंभव को संभव करवा देता था, और उसी गांधी ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मैं कमरे बंद करके नियमितता पूर्वक 20 से 30 मिनट गायत्री की साधना नहीं करता,
कब का पागल हो गया रहता है। पढ़ लीजिएगा सत्य की खोज, गांधी जी की जीवनी है, आप पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट लिखा है गांधी ने। मदन मोहन मालवीय नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? कौन थे? मुसल्लापुर हाट में पीओ के तैयारी करने वाले विद्यार्थी थे। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने इतना बड़ा हिंदू विश्वविद्यालय बनाया, जो कि एक चक्कर घुमाने में आजकल का नौजवान तीन चक्कर खा के गिर जाएगा, उन्होंने अपने जीवन में गायत्री का साक्षात चमत्कार देकर गया। अगर कोई कहे कि जीता जागता उदाहरण गायत्री की क्या है, तो बीएचयू ले जाकर घुमा दीजिए। गायत्री की साधना करने वाला वो नौजवान पैकेट में एक रुपया भी नहीं था, और मन में ठान लिया एक ऐसी विश्वविद्यालय की कल्पना जो कि देश के हित में हो, निकल पड़े। हाथ पसार के लोगों से मांगना शुरू किया, कई सारे लोग मजाक उड़ाए, उपहास उड़ाए, उसके बावजूद अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटके, विश्वास कभी नहीं टूटा। और इतनी बड़ी हिंदू विश्वविद्यालय के उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए नींव रख के और बनाकर चले गए। सफलता जब मिली तो उनके घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार सब आके उनसे पूछे, एक बात बताओ, मांगते थे घूम घूम के, शर्म नहीं आता था? कैसे? ये बात इसलिए सुना रहे हैं कि आजकल हमारे भाई लोग यूथ एक्सपो के प्रचार में जा रहे हैं, उनको भी बहुत वायरस मारने वाला होगा। आप टूटते क्यों हो? आप किसके लिए कर रहे हो ये याद रखो। जैसे मदन मोहन मालवीय ने याद रखा, उन्होंने मुस्कुराया, घर वाला सब परेशान हो गया कि इसको हम लोग नीचा दिखाना चाहते हैं कि घूम घूम के भीख मांगता है और ये मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा के जवाब दिए, मर जाऊं मांगू नहीं अपने हित के काज। मर जाएंगे लेकिन अपने पेट के लिए, अपनी रोटी के लिए, अपने परिवार के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारेंगे। परमारथ के कारण है मोही ना आवे लाज। परमारथ यानी समाज के लिए मेरे अंदर कोई भी लाज नहीं है। एक विश्वविद्यालय कौन कहे, अगर मन में ठान लेंगे तो ऐसा ऐसा 100 विश्वविद्यालय बनाने के लिए मैं भीख मांगूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरे मित्र, ऐसे मानसिकता के लोग समाज में उदाहरण, इतिहास बना के गए। इसलिए नहीं कि हमारा नौजवान सुनकर ताली बजाएगा, इसलिए कि यह इतिहास पढ़कर इतिहास गढ़ने की मद्दा पैदा करेगा। ये आपके अंदर, आपको तो छोटी छोटी बातों पर शर्म आने लगता है, यह सबसे बड़ा बेशरम का नमूना है। जिसको बहुत शर्म आने लगे, समझ लो ये बहुत बड़ा बेशरम है। शर्म किस बात की? कई सारे लड़कों को प्रश्न पूछने में शर्म आता है, कई सारे लड़कों को किसी से बात करने में शर्म आता है। बड़ा, बहुत बड़ा बेशरम है। वो छुप छुप के वीडियो देखता होगा, इसीलिए शर्मा रहा है। उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, समाप्त हो गया है। जिस टीचर को पैसा दिया है और जिस पटना में पढ़ने के लिए आया है, वहां भी शर्म कर रहा है। हमारे भाई लोगों का वीडियो देखिए, फेसबुक पर वायरल हो रहा है, घुस के कमरे में हाफ पैंट पहन ले है, सब्जी काट रहा है, रोटी बेल रहा है, थाली से खा रहा है, हाथ जोड़ के ही लोग समझा रहे हैं, भाई साहब प्रणाम, 15 दिसंबर भूलिएगा नहीं ना, क्या है? और फ्लुएंटली समझा रहे हैं। हमारे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी आ रहे हैं, आप आइए, ये रोटी बेलते बेलते बेलना घिस जाएगा तब वो नौकरी नहीं होगा, आपके एक गो बेलना में हम 3 गो नौकरी दिलाएंगे, जल्दी आइए 15 दिसंबर। हाँ भैया, हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे। कहाँ आना है? बापू सभागार में आना है, पैसा भी लगेगा ना भाई। सब जगह आप पैसा के बात काहे करते हैं, रोटिए में पैसा लगाइए, फ्री एंट्री है, आइए। बेचारा के अंदर से जोश जगता है, चल चल चलेला हो यहां के भाषा में। अब सोया हुआ है, पड़ा है, उसको लगता है कि पूरा दुनिया ही रोटिए में है, खा लेता है, फिर 3 दिन जोश में रहता है, 4th दिन मोबाइल लेके फिर क्या जानू, ठीक हो ना, ये जानू जानू करे से नौकरी हो जाएगा और जिंदगी के समस्या का समाधान हो जाएगा? जिंदगी की समस्या के समाधान के लिए आपको जीवन में अध्यात्म का समावेश करना होगा।